सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरके ग्लोबल के बारे में। ये शुरुआत किया एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के रूप में, लेकिन अब ये मूव हो गया है डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में। इस रिव्यू में अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें इस कंपनी के बैकग्राउंड, खर्चे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, अलग अलग मायनों पर चर्चा होगी, जिससे आप अनुमान लगा सके कि आरके ग्लोबल आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात है कंपनी के बैकग्राउंड की, आरके ग्लोबल एक डिस्काउंट ब्रोकर है। 1995 में ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के रूप में आए थे, लेकिन बाय टाइम इन्होंने काफी बिजनेस मॉडल चेंज किए हैं और फाइनली एक डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में 2012-13 में एस्टेब्लिश हुए। जब बात आती है ब्रोकरेज की, तो अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। सिंस एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर रहे हैं, तो आपको रेगुलर लेवल पे रिसर्च टिप्स और रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं अपनी रिसर्च टीम के द्वारा। लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, कस्टमर सर्विस की, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पे थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं। ये वीक लिंक्स माने जा सकते हैं इस स्टॉक ब्रोकर की वैल्यूज में। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो आप इनके साथ इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज और एनआरआई सर्विसेज में निवेश कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आपको किसी और फाइनेंशियल हाउस के साथ खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप आरके ग्लोबल के अलग अलग प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो काफी जरूरी मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के सिलेक्शन में। ये जरूरी देखना है कि क्या उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की स्पीड अच्छी है, उनके फीचर्स बढ़िया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो उस लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक जजमेंट बन जाती है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओवरऑल आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जहां तक बात है आरके ग्लोबल की, हालांकि ये प्रेजेंट तो है मोबाइल ऐप में, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर में, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन में, लेकिन इनका खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सभी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी हैं, आउटसोर्स्ड हैं। तो जहां तक बात आती है मेंटेनेंस की, तो खुद से इनकी कोई टेक्निकल टीम नहीं है जो इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करती है। तो कल को अगर आप इनके क्लाइंट बनते हैं या ऑलरेडी हैं, और आपके पास कोई रिकमेंडेशन है, कोई कमेंट है जिसको आप इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो उसमें आपकी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपके कमेंट को, आपके फीडबैक को ये ट्रांसफर कर देंगे उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनी को, जिसमें वो आइडिया लगाएंगे, देखेंगे, जजमेंट लेंगे और फाइनली अगर उनको ठीक लगा तो आपका फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करेंगे, अदरवाइज ये उनका चॉइस रहेगा। तो उस लेवल पे ये कंसर्न जरूर सामने आता है जहां तक बात है आरके ग्लोबल की। तो पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो आरके ग्लोबल आपको आईविन प्रोवाइड करता है। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज या फिनटेक द्वारा बनाई गई एक मोबाइल ऐप है, काफी पुरानी एप्लीकेशन है और अभी तक आरके ग्लोबल इसका इस्तेमाल करवाता है अपने क्लाइंट्स को। ये रेटेड तो है सिर्फ 3.7 पे करीब 200 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 25% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 75% बनता है, जो कुछ खास नहीं है। वहीं अगर हम बात करें इनके खुद के फोकस की, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि लास्ट अपडेट 9 दिसंबर 2014 को किया गया था। ये वीडियो हम बना रहे हैं जून 2017 में, तो करीब 2.5 साल हो चुके हैं इस ऐप को कोई भी अपडेट देखे हुए। तो उस लेवल पे डेफिनेटली एक कंसर्न जरूर सामने आता है जब भी हम बात करते हैं नए नए इनोवेशंस की, नए नए टेक्निकल फीचर्स की, अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस की, तो वो सब सुविधाएं ये ऐप आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी 2014 में थी वही से ही इनकॉर्पोरेट किया होगा ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो सर्टेनली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि बहुत से कंसर्न सामने आए, जिसमें कि लॉग इन इश्यूज हैं, यूजर एक्सपीरियंस के इश्यूज हैं, स्पीड के इश्यूज हैं। उसके अलावा आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो जो चार्ट्स हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, पहली बात तो बहुत सारे फीचर्स हैं ही नहीं, और जो हैं वो भी काफी बेसिक हैं, काफी प्रिमिटिव हैं। तो सर्टेनली हम आपको ये एप्लीकेशन रेकमेंड नहीं करेंगे। बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नजर डालते हैं, शायद वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके, लेकिन जहां तक बात है मोबाइल ऐप की, तो वो एक नॉट रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं urdigitalblogger.com का। तो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर में आपको आरके ग्लोबल डाइट ऑडिन प्रोवाइड करता है। अब ये एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। फीचर्स के लेवल पे काफी एग्जॉस्टिव है, स्पीड अच्छी देता है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है, डेटा लेवल पे राइट टाइम पे आपको फीड मिलती है।
टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, हीट मैप्स हैं। उसके अलावा जो बैंक ट्रांसफर फंड करने होते हैं उसकी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की गई है। लेकिन जब बात आती है यूजर एक्सपीरियंस की, वो थोड़ा सा पीछे है। डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिल रहा है इस समय, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर से, तो उस लेवल पे ऑर्डिन डाइट में इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। लेकिन सर्टेनली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। हालांकि आपको आरके ग्लोबल से जरूर पूछना होगा कि इसके यूसेज के लिए कोई अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं। बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पे ही कुछ ना कुछ चार्ज लगा देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो डेफिनेटली जब भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्ले में आता है तो कुछ चार्जेस भी नजर में आते हैं। तो आप जरूर बात करें, जब भी एग्जीक्यूटिव से आप डिस्कस करें एक अकाउंट के लिए, तो ओडिन डाइट के बारे में, उसके चार्जेस के बारे में डिस्कशन जरूर करें। मोबाइल ऐप की डिस्कशन हम कर चुके हैं, डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपको एक वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन भी देते हैं, काफी बेसिक है, इनफैक्ट काफी पुरानी भी है। आरके ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, एक लॉगिन पे क्लिक करना है और आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है नंबर ऑफ फीचर्स की, रिस्पॉन्सिवनेस की, तो काफी पीछे है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को सिर्फ आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है रिस्पॉन्सिव होती है, जिसका मतलब है कि इसको आप किसी भी डिवाइस, मोबाइल, टेबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का बेंचमार्क बन चुका है इस तरह इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं आरके ग्लोबल जैसे, जो अभी तक उस लेवल पे मूव नहीं कर पाए हैं। तो जहां तक बात है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो हमारा रिकमेंडेशन सिर्फ जो ऑर्डिन डाइट है उसी एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें अभी भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या तो वो काफी पीछे हैं, काफी नंबर ऑफ फीचर्स खराब हैं, और उस लेवल पे आपको वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस जरूर करवाएंगे। जब भी आप इंट्राडे स्पेशली ट्रेडिंग करेंगे, उनके कम फीचर्स के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऑर्डिन डाइट के साथ जाइए, जहां तक बात है आरके ग्लोबल की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बाद आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग पे, खर्चे पे। तो खाता खोलने के लिए आपको सिर्फ ₹50 देने हैं। इनके साथ मेंटेनेंस फीस भी काफी कम है। पहला साल इनफैक्ट मुफ्त है, उसमें आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने। लेकिन सेकेंड ईयर से, दूसरे साल से, आपको हर साल AMC ₹250 देना होगा। ब्रोकरेज में आपको फ्लैट रेट ₹9 लगा जाता है पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, जिसका मतलब है कि आप खरीदें या बेचें, हर खरीद के लिए, हर बेचने के लिए आपको ₹9 प्रति एग्जीक्यूट ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। इसके पास एक और प्लान भी है जो फिक्स रेट है मंथली लेवल पे, उसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए वापिस से चलना होगा earddigitalblogger.com की तरफ। तो ये है दूसरा ब्रोकरेज प्लान, जिसमें आपको पूरे महीने के लिए करीब ₹1,000 की राशि देनी है। उसके बाद आप डिपेंडिंग के कौन से सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं, अनलिमिटेड ट्रेडिंग आपको मिलेगी, जिसका मतलब है कि कितनी मर्जी ट्रेड्स करें, कितनी मर्जी वैल्यू की ट्रेड्स करें, ₹1,000 से ज्यादा आपकी ब्रोकरेज नहीं आएगी। इनफैक्ट ₹999 आपका ब्रोकरेज प्लान रहेगा। ये ज्यादातर सूटेबल रहता हैवी से मीडियम ट्रेडर्स के लिए। तो डिपेंड करता है कि अगर आपके ओवरऑल ट्रेड वैल्यू ज्यादा है या आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपकी डेफिनेटली ब्रोकरेज करीब 1,000, 4,000, 5,000, कुछ केसेस में 10,000-20,000 भी देखी गई है, तो उस लेवल पे डेफिनेटली ये एक बेसिक प्लान आप ले सकते हैं सिर्फ ₹1,000 में, और पूरे महीने अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस और ब्रोकरेज के अलावा आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने होते हैं। इस पे आप अपनी पैनी नजर जरूर रखिए, क्योंकि बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस में थोड़ा हेर फेर करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं और ब्रोकरेज कम दिखा के अपने क्लाइंट्स को एक्वायर करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ नंबर्स जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये NSE द्वारा, BSE द्वारा, इनफैक्ट SEBI द्वारा अप्रूव्ड है। बहुत ही स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो उसमें आनाकानी करते हैं और वो वैल्यू बढ़ाते हैं, लेकिन आरके ग्लोबल के केस में ऐसा नहीं है। काफी रीजनेबल चार्जेस लगाए जाते हैं जहां तक ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात है। इसके अलावा कुछ STT टैक्सेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में जानकारी लीजिए, लिखित में लीजिए, ईमेल करवाइए, और फिर आप डेफिनेटली अकाउंट खोल सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले उनके लिए बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट 15-22% तक जा सकता है। आरके ग्लोबल के केस में आपको 8-10 गुना एक्सपोजर मिलता है इंट्राडे में, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस पे ₹10,000 हैं, तो आप ₹80,000 से ₹1,00,000 तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। बाकी के सेगमेंट्स में भी आपको ठीक ठाक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। तो डिपेंडिंग कि आप कितना एक्सपोजर देख रहे हैं, किस सेगमेंट में देख रहे हैं, उस हिसाब से आप आरके ग्लोबल का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि एक्सपोजर या लेवरेज जो कि कॉन्सेप्ट है, काफी रिस्की है। जब तक आपको इसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तब आप इसमें अपना
हाथ मत आजमाइए, क्योंकि काफी रिस्की है, आपके कैपिटल को भी ये खा सकता है एक तरह से। आगे बढ़े और फाइनली हम बात करें फायदों की नुकसानों की। तो आरके ग्लोबल के साथ अकाउंट खोलने के फायदे हैं उनके लो ब्रोकरेज प्लान्स, काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और हैवी ट्रेडर्स के लिए भी। उसके अलावा इनका एक्सपोजर रेट ठीक ठाक है, खैर कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक रीजनेबल लेवल पे है। ट्रस्ट लेवल पे भी काफी पुरानी कंपनी है, अलग अलग लेवल पे बिजनेस मॉडल चेंज किए हैं लेकिन डेफिनेटली अभी लगता है कि सेटल आउट हो चुके हैं। उसके अलावा हम ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में बात किया कि वहां पे भी आपको रीजनेबल लेवल पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये है डेफिनेट कुछ ना कुछ लेवल पे फायदे। नुकसानों की हालांकि बात करें तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में कमी दिखती है, स्पेशली अगर मोबाइल ऐप की या वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे कुछ कंसर्न्स दिखते हैं, डेफिनेटली इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा आप अगर बात करें कस्टमर सर्विस की तो कस्टमर सर्विस में नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स भी लिमिटेड है। वहां पे अगर हम बात करें क्वालिटी की तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लेवल पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। समय जितना लेते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितने पर्सनलाइज लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजिंग की जाती है, डेफिनेटली वहां पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा रिसर्च में हालांकि ये जरूर प्रोवाइड करते हैं टिप्स और रिकमेंडेशंस, लेकिन अब सिंस ये एक डिस्काउंट ब्रोकर बन चुके हैं तो इनकी रिसर्च और टिप्स पे आप अपनी रिसर्च जरूर करें और फिर ही उसके बाद अपना पैसा निवेश करें, डायरेक्टली इनके कहने पे पैसा ना लगाएं। तो ये कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान और ओवरऑल रिव्यू आरके ग्लोबल का। अब आपको देखना है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या देख रहे हैं एक स्टॉक ब्रोकर में, उसके हिसाब से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/rkglobalopendemat account पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और इनका एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक जरूर करेगा। वहीं अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर के साथ बात करना चाहते हैं या हमारी कुछ मदद चाहते हैं एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, तो इस वेबसाइट की दूसरी लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपनी डिटेल दीजिए और हम आपको एक कॉल बैक सेटअप जरूर करवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।